डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज 24 अगस्त 2019 और 24 अगस्त 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेजन ने कहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है, ये किया है हैदराबाद में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में जो अमेजन, अमेजन आप सभी को पता है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है, उस अमेजन ने क्या किया है, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परिसर, अपना खुद का दुनिया का सबसे बड़ा परिसर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे ये किया है, हैदराबाद में। यहाँ से ये जो परिसर का उद्घाटन किया है, टोटल 1.8 मिलियन वर्क फुट में यहाँ पर किया है, और यहाँ से टोटल बहुत से श्रमिकों को यहाँ से रोजगार वगैरह भी दिया जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पर अमेजन ने अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है तो उसको चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए क्या होगा, बहुत से ऐसे जो श्रमिक वगैरह है वहां पे काम करेंगे। तो यहां से टोटल 1,55,000 से भी अधिक कर्मचारियों को यहां से रोजगार वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा पहला अमेजन का स्वामित्व निर्माण वाला ऐसा पहला ऐसा ये परिसर है जो अमेरिका के बाहर है। अभी तक जी जो कोई भी अमेजन के जो कोई भी जो परिसर वगैरह थे सिर्फ अमेरिका में थे। क्यों थे, क्योंकि जो अमेजन है ये अमेरिका की एक कंपनी है। लेकिन अभी हाल ही में अमेजन ने क्या किया है, अपने इंडिया में, इंडिया के हैदराबाद में अपने सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। अब यहाँ पे टर्म है अमेजन, तो अमेजन के संस्थापक कौन है, वही जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस। और ये अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ये ओवरऑल वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्ति है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। अब कहाँ पे किया है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो ये देखिए, ये है मैप में तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है ESL नरसिम्हन। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 अगस्त को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कोई भी लोग हैं जो आतंकवाद से पीड़ित है, तो उनकी याद में उनको याद करना, और उनके जो यानी बेसिकली आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं जो मारे गए, तो उनको श्रद्धांजलि वगैरह भी देना। इसलिए हर साल 21 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब यहाँ पे टर्म है यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये आप याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। अब फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए मैं आपको बारी बारी रिवाइज करवाता हूँ, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोले। वैसे तो कल ही मैंने आपको रिवाइज किया है, तो चलिए आज फिर मैं आपको और एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस, उसके बाद 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, उसके बाद 8 अगस्त को मनाया गया विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसके बाद 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस, उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, उसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, उसके बाद 15 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस, उसके बाद 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस, उसके बाद 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस, उसके बाद 21 अगस्त को दो दिन मनाए गए। कौन कौन से,
एक विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के रक्षा सचिव बने हैं? तो ये कौन बने हैं अपने इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी? तो ये बने हैं अजय कुमार, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे अजय कुमार की पिक्चर भी लगा रखी, यही है अजय कुमार। और अभी हाल ही में ये अपने इंडिया के रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी ये बने हैं। कौन? अजय कुमार। आप इनका नाम याद रखना। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं? तो ये कौन बने कैबिनेट सेक्रेटरी अपने इंडिया के? तो ये बने हैं राजीव गाबा, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे राजीव गाबा की पिक्चर भी लगा रखी, यही है राजीव गाबा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गाबा तो अपने इंडिया के कैबिनेट सचिव तो बने हैं, लेकिन इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है पी के सिन्हा का। किसका? पी के सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। अब ये 30 अगस्त से अपना पदभार संभालेंगे और इनको अगले 2 सालों के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के नए लोकपाल सचिव बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं ब्रज कुमार अग्रवाल, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रज कुमार अग्रवाल की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है ब्रज कुमार अग्रवाल। और इनको अभी हाल ही में अपने इंडिया का लोकपाल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। ये तो लोकपाल सेक्रेटरी बने, लेकिन अपने इंडिया के लोकपाल कौन है? वो कौन है? वह पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष अपने इंडिया के लोकपाल है। लोकपाल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता जीती है? तो ये कौन से देश ने जीती है? ये जीती है अपने देश भारत ने, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में जो ओलंपिक टेस्ट है उसका आयोजन किया गया था, और ये किसने जीती है? ये जीती है अपने देश भारत ने। अब ये अपने देश भारत ने जीती है, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया गया था जापान में, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे टर्म है जापान, तो जापान के बारे में जान लीजिए। जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है एन, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिंजो अबे। और जापान को ही उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या नाम है? डाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे ऑफ ब्लू फ्रीडम शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में जो दिल्ली है अपने इंडिया की कैपिटल, वहाँ पे ऑफ ब्लू फ्रीडम को स्टार्ट किया है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। अब इसकी वहाँ पे शुरुआत हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपने प्रेजेंट टाइम पे जो खेल मंत्री है कौन? किरेन रिजिजू। कौन है? किरेन रिजिजू। उन्होंने अभी हाल ही में ऑफ ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की है, कहाँ पे? दिल्ली में। अब इसकी शुरुआत दिल्ली में की है, तो दिल्ली के बारे में जान लीजिए। दिल्ली के बारे में जान लीजिए। दिल्ली क्या है? अपने इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? वह अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थ्रेसिया थॉमस का निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो एक किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये एक महिला शिकारी थी, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे थ्रेसिया थॉमस की पिक्चर भी लगा रखी, यही है थ्रेसिया थॉमस। और इनका अभी हाल ही में 88 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी केरल से। कहाँ से बिलोंग करती थी? केरल से ये बिलोंग करती थी। अब ये केरल से बिलोंग करती थी, तो ये देखिए ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, और गवर्नर है पी सतासिवम। कौन है? पी सतासिवम। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुपर 50 कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने
शुरू किया है। तो ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म है सुपर 30, अब सॉरी सुपर 30 तो एक फिल्म थी ऋतिक रोशन की, ये यहाँ पे टर्म है सुपर 50। तो सुपर 50 का मतलब क्या होता है? बेसिकली महाराष्ट्र की जो कोई भी आदिवासी जनजाति है उनके बच्चों को, यानी सिर्फ 50 बच्चों को यहाँ से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो यही है सुपर 50 कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। याद रखना सुपर 50, सुपर 30 मत समझना। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये देखिए, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टेस्ट रूफटॉप सोलर अटेक्शन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की, एक इंडेक्स, कौन सा टेस्ट रूफटॉप सोलर अटेक्शन में इस इंडेक्स की रैंकिंग जारी की, उसमें ये बताया कि कर्नाटक टॉप पे है। अब कर्नाटक टॉप पे, लेकिन टॉप 3 तो आपको पता होने चाहिए ना। तो टॉप पे है कर्नाटक, सेकंड नंबर पे है तेलंगाना और थर्ड नंबर पे है गुजरात। कौन है टॉप पे? कर्नाटक, सेकंड नंबर पे है तेलंगाना और थर्ड नंबर पे है गुजरात। टॉप पे को आया है कर्नाटक। तो ये देखिए, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर, वहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजूभाई वाला। कौन है? वजूभाई वाला। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे NARED CO की 15th नेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है नई दिल्ली में। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली, नई दिल्ली में क्या किया है? NARED CO की 15th नेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे टर्म है NARED CO, तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होती है? नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट स्टोरीज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी कैलिफोर्निया में। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म है कैलिफोर्निया, तो आपके माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कैलिफोर्निया कहाँ पे? अमेरिका में। और अमेरिका में अभी हाल ही में अपने देश इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का जो एक बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा। अब कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन कहाँ पे? कैलिफोर्निया, फोर्निया का जो मोरेंटी है, कैलिफोर्निया के मोरेंटी के नोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में। कहाँ पे? नोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे टर्म है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जान लीजिए। अमेरिका की कैपिटल क्या है? Washington DC। क्या है? Washington DC। वहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट। और इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। मैंने यहाँ पे दोनों की पिक्चर भी लगा रखी है। तो क्लियर है, तो बस आज के करंट अफेयर से इतना ही। चलिए, अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखते हैं कल का हमारा क्या क्वेश्चन था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य को निकोटीन क्लास ए पॉइजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कौन से राज्य को किया गया है? ये किया गया कर्नाटक को। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही था। सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए, आज फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने शरबत सेहत बीमा योजना शुरू की है? तो ये कौन से राज्य की सरकार ने इसको स्टार्ट किया है बताइए। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवा रखा है। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप
पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।